हरे कृष्णा। तो कल हमने सातवां अध्याय के ऊपर चर्चा किया, तो हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। कौन कौन आप में से चाहते हैं कि ऐसे रोज प्रश्न पूछा जाए अगले पिछले अध्याय का? गुड, चार पांच वक्त मिल गए तो हमारा हो जाएगा। तो पहला प्रश्न है, कल हमने सातवां अध्याय पढ़ा, भगवान की कितनी शक्तियां हैं, कितनी प्रकार की शक्तियां हैं? ऐसे तो अनंत है, लेकिन यहाँ पे कितनी प्रकार की है, बोलिए। विधु कृष्ण प्रभु जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं सर। विधु कृष्ण प्रभु, मालती गोपिका माता जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पराशक्ति और अपराशक्ति है प्रभु जी। ओके गुड। पराशक्ति, अपराशक्ति। और हमने देखा कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं संसार में। भगवान ने कुछ उदाहरण दिए, तो कितने याद हैं देखें, एक एक भक्त एक एक उदाहरण बताते जाएंगे। बोलिए। दिलीप रघुवंशी प्रभु, आप अनम्यूट करके बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। सर, हरे कृष्ण। ईश्वर को हम अनेक रूपों में देख सकते हैं, जैसे कि जल में, बस एक बताना है, एक जल का स्वाद प्रभु बस जी। सबको मौका दीजिए, एक ही बताइए, है ना? ओके, रसो हम अब सुकौनते हैं, और दूसरा कौन बताएगा? थोड़ा ज्योति राजभर माता जी, जल्दी जल्दी कीजिए, अरे प्रभु इतना हरे टाइम। कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी। जीवों में वह सामर्थ्य के रूप में है, हमारे श्री ओके कृष्ण गुड। जीवों में सामर्थ्य के रूप में। ओके, म्यूट करो। अभी आप सब लोग एक बात सुनिए, आप अपना अनम्यूट करके आंसर बोली म्यूट कर दीजिए। आप सब लोग अगर हरे कृष्णा बोलते रहेंगे तो फिर हम एक काम करते, सब लोग बैठ के यहाँ पे दो माला जप कर लेते हैं, है ना? फिर नहीं तो सेशन का टाइम निकल जाता है। सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, तो उसमें टाइम निकल जाएगा। फिर आंसर बताने के बाद आप समझाने लगते हैं, सिर्फ आंसर चाहिए। जल का स्वाद, खत्म, म्यूट। फिर दूसरा है जीवों में सामर्थ, म्यूट, है ना? हमारे पास समय सर, नहीं है, आप लोग के पास ज्यादा सुनना है तो फिर हमको जो है फटाफट बोलना पड़ेगा। यस, वैदिक मंत्रों में ओमकार। वैदिक मंत्रों में ओमकार। गुड, नेक्स्ट। राजपूत माता जी, आवाज की ध्वनि में। हाउ कम दे आर एबल टू म्यूट, अनम्यूट देमसेल्व्स। सुष्मिता राजपूत माता जी, आप। पति में आद गंध। आपकी आवाज क्लियर नहीं थी माता जी, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अग्नि की उष्मा, अग्नि में उष्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, हम आठवां अध्याय प्रारंभ करेंगे अभी। तो आठवां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। तो ये है भगवत प्राप्ति, है ना? अब हमने सुना भगवान के बारे में, तो भगवान को कैसे प्राप्त करना है ये हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आठवां अध्याय भगवद गीता का, भगवत प्राप्ति, इसमें क्या बताते हैं भगवान? देखिए, सातवें अध्याय में हमको बताया ज्ञान, और फिर आखिरी श्लोक जो सातवें अध्याय का था वो था कि
अर्जुन तुम अपनी पूरी चेतना मुझ में लगाओ, मुझ में मुझको ही भगवान परम मानो और मेरे लिए ही सारे यज्ञों को करो, मुझे ही मैं ही जो हूं परम ईश्वर हूं। और ये सब ध्यान तुमको कब करना है, पूरे जीवन भी और मृत्यु के समय भी, है ना। और उसके पहले भगवान ने जैसे यहाँ पे बोला सातवें अध्याय का जो श्लोक है, हमने बोला ये शाम तो अंतगत पापम, ये हो गया। फिर 30 नंबर श्लोक में कहते हैं साधिभूतादि, है ना, साधिभूतादि देवम माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च अपि माम अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। तो जब भगवान ये बताते हैं तो प्रश्न उठता है अर्जुन का, नए नए शब्द आपस आ गए। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो पूछेंगे फिर प्रश्न, 8 चीजें अर्जुन यहाँ पे पूछने वाले हैं भगवान से, है ना। हम इसको थोड़ा चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मं किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदेवं किं उच्यते, है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, हे भगवान हे पुरुषोत्तम ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न ब्रह्म क्या है, दूसरा प्रश्न आत्मा क्या है, तीसरा है सकाम कर्म क्या है, चौथा है भौतिक जगत क्या है और पांचवा है देवता क्या है। तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म कर्म अधिभूतम और अधिदेवम, पांच प्रश्न यहाँ पे पूछे। अब यहाँ पे और प्रश्न पूछेंगे 3, अधियज्ञम कथम कोत्र देहे अस्मिन मधुसूदन प्रयाण काले च कथम येयो असि इत्यात्म भी। फिर यहाँ पूछते हैं यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सकते हैं। तो 3 प्रश्न हो गए, अधि यज्ञ एक प्रश्न हो गया, 5 पिछले श्लोक में अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे भगवान से। और अभी 6 प्रश्न पूछे अधि यज्ञ, है ना। और फिर देहे अस्मिन मधुसूदन शरीर में कैसे रहता है वो, और फिर प्रयाण काले मतलब मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान अगले 2 श्लोकों में इसका उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं, देखिए 8 प्रश्नों में से पहले भगवान यहाँ पे बोलेंगे, पहले 6 प्रश्न तो भगवान जल्दी 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 बोल देंगे, ब्रह्म क्या है, है ना, आत्मा क्या है, कर्म क्या है, और ये 2 श्लोकों में बोलेंगे, 3रे और 4थे में। इसलिए आप लोग को गीता खोल के रखना चाहिए ना, सबके पास गीता होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अक्षरम, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म मुच्यते भूत भवोद्भव करो विसर्ग कर्म समनिता। अक्षर जो है ब्रह्म क्या है, पहले पूछे ना किम ब्रह्म, तो ब्रह्म कैसा है, अक्षरम ब्रह्म परम है, दिव्य है और अक्षरम कभी ना खत्म होने वाला, ये ब्रह्म हो गया। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म उसका स्वभाव है, अध्यात्म ब्रह्म का स्वभाव है और शरीर को बनाने वाली जो क्रिया है उसको कर्म कहते हैं। 3 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे आ गए। अगले 4थे श्लोक में कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस चा अधिदेवतम
अधि यज्ञो अहम एवात्र देह देह भृतम वरा। भगवान कहते हैं अधिभूतम शरोभव, जो अधिभूतम है मतलब ये भौतिक संसार है, ये अक्षर नहीं है, ब्रह्म अक्षर था, अक्षर ब्रह्मम परमम, ये अधिभूतम ये भौतिक संसार नश्वर है, शर है। फिर बोलते हैं पुरुषश्च अधिदेवता, अधिदेवता मतलब ये सारे देवता क्या हैं, ये सब भगवान का जो ग्यारहवें अध्याय में भगवान बताएंगे, हाँ ये विराट रूप ये सब उसका हिस्सा है। अधि यज्ञो अहम एवात्र, यज्ञ क्या है कि मैं ही यज्ञ हूं। अब ये छह यहाँ पे भगवान ने प्रश्नों का उत्तर दिया। तो अब दो प्रश्न बचे, इसमें से अगले चार श्लोकों में पांच छह सात आठ यहां पे भगवान बताएंगे कि मृत्यु के समय भक्ति करने वाले को क्या मिलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां भगवान बताते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम य प्रयाति स मद्भावम याति नास्तस्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हैं, अंतकाले च माम एव सिर्फ मेरा, एव मतलब सिर्फ मेरा और किसी का नहीं, शिव जी का भी किया, गणपति का भी किया, और अपना घर में सोने के गहनों का भी किया, घर का भी किया, गाड़ी का भी किया, घर में जानवर पाल के रखे हैं उसका भी किया, ये नहीं, सिर्फ मेरा स्मरण करता है और शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। याति नास्त्य अत्र संशय। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए कितना आसान है, अंतकाल में भगवान को याद करना है। लेकिन अगर आप अंतकाल में याद करना चाहते हैं तो पूरा जीवन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम जीवन भर कुछ भी गड़बड़ करते रहेंगे और अंतकाल में जो है वो भगवान को याद कर पाएंगे, नहीं याद करने देंगे भगवान, हम भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते, है ना। तो हम भगवान हमको वही याद कराएंगे जो जीवन भर हमने किया है। कोई बोलेगा प्रभु जी मेरा उम्र 70 साल है, अभी ज्यादा समय बचा नहीं है, तो अभी अच्छे से भक्ति करो, ज्यादा भक्ति करो, अभी पढ़ाई का दिन निकल गया, कमाई का दिन निकल गया, बच्चों का शादी हो गया, सब अभी छोड़ो और हरे कृष्ण महामंत्र 64 माला जप करना चालू कर दो, दिन भर जप करते रहो और गीता पढ़ते, हैवी डोज लेना पड़ेगा, अभी टाइम ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं कोई 20 साल का है तो बोलेगा मेरे पास तो बहुत टाइम, आराम से करेगा, नहीं टाइम तो किसके पास नहीं, किसका कब मृत्यु हो जाएगा पता नहीं, इसीलिए भक्ति हमेशा करते रहना चाहिए अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है। तो अगले श्लोक में कहते हैं यम यम आपि स्मरम भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये भरत महाराज की कथा है, लंबी कथा है। ये भरत महाराज अपना राज्य छोड़ के आए, जिनके नाम पे ये पूरा खंड का नाम बड़ा भारत, ये वही भरत महाराज है। इन्होंने क्या नहीं छोड़ा, जवानी में पूरा राज्य, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिया, सब पूरा पृथ्वी इनका था, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन जंगल में आके तपस्या कर जो एक हिरण से आसक्त हो गए और हिरण के साथ खेलते रहे, खेलते खेलते हिरण में इतनी आसक्ति हो गई कि अगले जन्म में हिरण बनना पड़ गया। इसीलिए शास्त्रों में कहा नहीं गया है कुत्ता बिल्ली को पाले, घर में रखे, कुत्ते को घर के बाहर मारो मत लेकिन घर के बाहर। गाय पालना है, अगर आप गाय में आसक्त होकर मर गया तो भी गाय बनेंगे ना, अच्छा है ना, गाय के बाद तुरंत मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन अगर कोई
कुत्ते का स्मरण करते करते कुत्ते का शरीर प्राप्त कर दिया तो बहुत ही नीच शरीर होता है कुत्ते। पता नहीं लाखों जन्म लग जाएंगे फिर से मनुष्य बनने में, क्योंकि बहुत जाकर नीचे हम चले जाएंगे। फिर भगवान बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मरण युद्ध च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर् मामे वैश्यम संशयः। अर्जुन, अतएव हे अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। देखिए भगवान सीधा बोल रहे हैं कृष्ण रूप में, और साथ ही युद्ध करने में कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। ये लाइन से देख रहे हैं बहुत अच्छे श्लोक हैं। जैसे यहाँ पे अंत काल में हमको क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है, केवल भगवान का। सही है, अंत काल में हमको केवल भगवान का स्मरण करना है। तब क्या होगा, यह प्रयाति समद्भावम, हम भी आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करेंगे और भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो जाएंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा, कि तब होगा जब अंत में हमको स्मरण होगा, हमारा भाव होगा। लेकिन भाव कब होगा, जब पूरा जीवन वैसा भाव होगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं इसीलिए अर्जुन मां मनुस्मरण युद्ध चल, युद्ध करो लेकिन मां मनुस्मरण, मुझे याद करो पहले, फिर मैं अर्पिता मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो। मन बुद्धि कर्म सब भगवान के लिए कर दो। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं गीता पढ़ने के बाद जो है वैराग हमको उत्पन्न होता है, वैराग आता है। तो वैराग ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जंगल में चले जाओ। भगवान यहां क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, हमको भी अपने अपने कर्म करने हैं। लेकिन कैसे करने हैं, मां मनुस्मरण युद्ध च, स्मरण करते हुए भगवान को स्मरण करके फिर अपना कर्म करो। मतलब क्या है, आपको जॉब करना है करिए, बिजनेस करना है करिए, पढ़ाई करना है करिए, लेकिन पहले सवेरे उठ के हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता सुनिए, और अपना जब आप ऑफिस जाएंगे, अपने व्यापार पे जाएंगे, अपने पढ़ाई में जाएंगे, तो अंदर भगवान का स्मरण वो कैसेट चलता रहेगा। वही भगवान कह रहे हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छा श्लोक, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे श्लोक नहीं लिखे है ना, इतना टाइम नहीं है। भगवत गीता इतना सुंदर है, हम जब आप लेवल टू में आएंगे ना तो हम आपको बहुत डिटेल में लेके जाएंगे। लेकिन आप में से हर कोई लेवल टू में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा वो तो आपके ऊपर है ना। आप ये जो क्विज दी जा रही है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको लेवल टू में लिया जाएगा। सबको नहीं भाग मिलता है वहां पे, अगर आप सब सॉल्व करेंगे तो अगले लेवल में जाएंगे ना। पांचवी कक्षा पार करेंगे तभी तो छठी कक्षा में एंट्री करेंगे। सही बात है, अब कोरोना के कारण ऑटोमेटिकली ऊपर चला जा रहा है आदमी स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो इसके बाद आठवें श्लोक बोलते, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कहते हैं हमेशा जो मेरा चिंतन करता रहता है, अभ्यास योग युक्तेना, अभ्यास करता है योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना, कहीं और इधर उधर नहीं जाता है, वो मेरा ही चिंतन करता है। परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थो न, वो मेरे पास आता है। भगवान कहते हैं वो जीवात्मा मेरे पास आता है। है ना,
तो अगर हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा नित्य शाश्वत घर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। देखिए, दुनिया में बहुत लोग स्पेशली भारत में या एशिया में अमेरिका जाना चाहते हैं। अमेरिका जाने की इच्छा कहाँ से प्रकट होती है? अमेरिका के बारे में सुनने से, अमेरिका के फोटो देखने से, हाँ, और टीवी में अमेरिका को देखने से इच्छा प्रकट होती है। वैसे ही भगवान के बारे में सुनने से, भगवान की तस्वीरों को देखने के, भगवान की कथाओं को पढ़ने से, भगवान के भक्तों को संग करने से हमको भगवान के पास जाने की इच्छा होती है ना, हमारी इच्छा बनेगी। अब कुछ भक्तों का, कुछ लोगों का ये कहना, नहीं नहीं यहाँ क्यों छोड़ के जाना। देखिए, यहाँ आप छोड़ के न भी जाना चाहो तो भी आपको निकाल दिया जाएगा, है ना। मान लीजिए एक ट्रेन है जो बॉम्बे से चल के अमृतसर जाती है, गोल्डन टेम्पल। अब आपने जाना है उसमें मथुरा या दिल्ली जाना है, चलो दिल्ली जाते हैं, तो बॉम्बे से आपने दिल्ली का टिकट खरीदा। अब दिल्ली में आपका मन कर रहा है नहीं उतरने का, तो आपको क्या लगता है, जाने देंगे आगे? आपको जबरदस्ती उतारेंगे। तो जितना समय इस शरीर में आपको रहना है, उतना समय आपको दिया जाएगा, उसके बाद यमदूत आके खींच देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देंगे। जब हो गया समय, उधर से निकाल देंगे। यह है मृत्यु। तो मृत्यु हमसे सब कुछ अलग कर दे, उससे पहले ही हमें भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यमदूत आपको छू भी नहीं पाएगा। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया है कि जो भी भगवान की भक्ति में लगा है, जो भी भगवान का नाम जप करता है, उनको उनके उठाना तो छोड़ो, उनके सपने में भी नहीं जाना। उनके सपने में भी यमदूत कभी नहीं आएंगे। जो भी भगवान का नाम लेता है उसके सपने में भी यमदूत नहीं आएंगे। ये यमराज ने श्रीमद् भागवतम में वचन दिया है। तो हमारे को आज नहीं तो कल ये शरीर, ये संसार छोड़ना है, तो क्यों ना हम तैयारी करें। छोड़ने के बाद फिर से घूम के आना पड़ेगा। हमने कहा ना, दूसरा माँ, दूसरा पिता, दूसरा भाई बहन, दूसरा बैंक अकाउंट, दूसरा चेहरा, दूसरा नाम, दूसरा देश, सब कुछ चेंज होगा, फिर जीरो से चालू करोगे। तो हम ऐसा प्रयास क्यों ना करें भक्ति करके, कि हम भगवान के पास पहुंचने का तैयारी करें, कि जब मृत्यु होगा सीधा भगवान के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जाने से आपको शाश्वत शरीर मिलेगा, अमर हो जाएंगे आप। वहां आपकी माँ होगी, आपका पिता होगा, आपका भाई बहन पत्नी बच्चे, और भगवान जैसा परम मित्र होगा, और वो हमेशा रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। वहां कोई मृत्यु नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई बुढ़ापा नहीं होता, सब परफेक्ट होता वहां पे। तो ये है आध्यात्मिक जगत। तो क्यों नहीं जाना चाहेंगे? अगर इच्छा हो तो जा सकते हैं, लेकिन इच्छा कैसे होगी? भगवान के बारे में, भगवान के धाम के बारे में सुनने से इच्छा हो, ठीक है। फिर आगे तीन श्लोकों में योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया, लेकिन हम उतना डिटेल में अभी जाएंगे नहीं, है ना। आगे 10, 11, 12, 13 चार श्लोकों में कर्म मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं यहाँ पे, कि होता है ना आपका मृत्यु के समय यहाँ पे ध्यान लगाइए, यहाँ से आत्मा निकल जाएगा, है ना, चक्र, ये सब भगवान ने बताए हैं, लेकिन ये हमको अभी, ये बाद में आपको बताएंगे। यहाँ पे भगवान बताते हैं, जो व्यक्ति ओंकार का जप करता है ना, वो ब्रह्म में जाता है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति में जाता है,
जो हरे कृष्ण मंत्र जप करता है वो ब्रह्म ज्योति को पार करता, वैकुंठ को पार करता, कृष्ण धाम में जाता है। ओम का जप करने से शिवलोक में नहीं जा रहा है, वो ब्रह्म में जा रहा है, मतलब भगवान की ब्रह्म ज्योति में जा रहा है। तो ये प्रोसेस बताते हैं, लेकिन है ना, हम आगे जाएंगे। एक श्लोक आपको बताते हैं, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिनः। भगवान कहते हैं जो हमेशा मेरा सततम अनन्य चेतः, जो इधर उधर मन न भगाते हुए सततम मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, तस्याहम उसके लिए मैं सुलभ पार्थ बहुत ही सुलभ हूं। तो अगर हमें भगवान को, ये अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमको हमेशा अनन्य चेतः अपने माइंड को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस 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 किस चीज का? कि हमेशा मैं भगवान का स्मरण करूं। हमने आपको कल वीडियो भेजा था, हाँ, घर एक मंदिर, कल आज भेजा शायद, तो हमें भक्तों ने बताया आज भेजा कि घर को मंदिर कैसे बनाएं। तो बड़ा सरल है भगवान की भक्ति करना, है ना। अपने शत्रु मन को साइड में रखिए, उसको या तो मित्र बना दीजिए या तो साइड में कर दीजिए। भाई जो काम का है तो उसको अपने साथ रखना चाहिए, जो अपना नुकसान करा है उसको साइड कर देना चाहिए, उसको उसको ज्यादा साथ में दे रखना चाहिए। तो ये बताते हैं। फिर भगवान बोलते हैं ये संसार के बारे में बताते हैं, संसार कैसा है, ये संसार कैसा है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। 14 नंबर श्लोक बताए, अनन्या चेतः, जो हमेशा मेरा चिंतन करता है, स्मरण करता है, वो मुझे सुलभ, तस्याहं सुलभ पार्थ, मैं उसके लिए बड़ा सुलभ हूं। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर वो मेरे पास आएगा और मुझे प्राप्त करने के बाद, अब अगला श्लोक बताते हैं, मुझे प्राप्त करने के बाद वो भक्त मेरे साथ हमेशा रहेगा और इस दुखालय अशाश्वतम में वापस नहीं आएगा। माम उपेत्य पुनः जन्म, वापस इसमें जन्म नहीं होगा, इस संसार में दुखालय में, है ना, इस दुखालय में वापस जन्म नहीं होता है उसका, वो भगवान को प्राप्त करता है। फिर क्या कहते हैं, देखिए, आ ब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर, सर्वोच्च मतलब ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतन सारे लोक, पाताल लोक तक, यहाँ पे दुख ही दुख है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, जो मेरे धाम को प्राप्त करता है वो वापस इस संसार में नहीं आता। श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार यहाँ भौतिक संसार में क्या होता है, पुनरपि जननम बार बार जन्म लेता है, पुनरपि मरणम बार बार मरता है, पुनरपि जननी जठरे शयनम और बार बार माँ के गर्भ में जाना पड़ता है। क्या दुख है, देखिए कितना परेशानी है, बार बार माँ के गर्भ में 9 महीना रहे, कितना दुख है। हम में से अभी किसी को अगर माँ के गर्भ में भेज दिया जाएगा, 9 महीना 9 सेकंड में हमारा मृत्यु हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम के 3rd स्कंद में प्रहलाद, भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूती को उपदेश देते हैं और ये बताते हैं। जो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, भगवान ने ऑलरेडी बता दिया, ऐसा हालत होता है अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो मृत्यु हो जाएगा 9 सेकंड में, 9 महीना तो दूर की बात है। अब देखिए ये पेंटिंग देखिए,
यहाँ पे देख रहे हैं भगवान श्री श्री राधा कृष्ण, ये गोलोक वृंदावन है। वैकुंठ जगत मतलब जहां पे कुंठा नहीं है, कुंठा मतलब एंजाइटी स्ट्रेस टेंशन नहीं है, यह कुंठा जगत है जहां हम रह रहे, और वैकुंठा जहां कुंठा नहीं है। तो वैकुंठ कैसे हैं, बहुत सारे अनंत अनंत लोक हैं, जैसे यहाँ एक ब्रह्मांड है ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे ये तो सब भौतिक ब्रह्मांड है, ऐसे आध्यात्मिक ब्रह्मांड है, बड़े बड़े लोक है प्लैनेट है, उन सबको वैकुंठ जगत कहते हैं। और उसमें जो सबसे ऊपर है वो गोलोक वृंदावन है, जहाँ पे भगवान राधा कृष्ण अपने पार्षदों के साथ शाश्वत रूप से लीला करते रहते हैं। उसके नीचे आता है साकेत धाम और फिर अलग अलग वैकुंठ धाम। तो ये हो गया आध्यात्मिक जगत। इसका आध्यात्मिक जगत जो है वो 75% है, 75, और 25% जो है वो भौतिक जगत है। तो भौतिक जगत में देखिए भगवान विष्णु चलाते हैं भौतिक जगत को, कृष्ण घर पे कोई रहता है तो कृष्ण है, घर पे रहते हैं कृष्ण अपने घर पे, वही कृष्ण जब ऑफिस में जाते हैं तो विष्णु का रूप ले लेते हैं। आप कभी देखें हनुमान जी, अभी लोग बोलते हैं कि भगवान विष्णु से भगवान कृष्ण है, तो सोचिए कभी विष्णु का कोई भक्त है कंधे पे हाथ रखा है, कभी विष्णु को रासलीला करते देखा, नाचते गाते देखा, बंसी बजाते देखा, कभी देखा राम को नृत्य करते हुए, कभी सुना हनुमान जी ने राम के कंधे पे हाथ रख दिया। लेकिन भगवान के बाल गोपाल सखा जो दूसरे मंडली है वो भगवान के साथ कुश्ती लड़ते हैं, भगवान का चढ़ाई कर देते हैं, वो भगवान को भगवान नहीं मानते। तो इसी से पता पड़ जाता है कौन ज्यादा रस का आस्वादन कर रहा है। तो भगवान विष्णु ये भौतिक जगत चलाते हैं, और यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान ने सेवा देकर रखी है। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे गीता में कि जो भौतिक संसार में रहता है वो तो बार बार चक्करों में लगा रहता है, लेकिन जो आध्यात्मिक संसार में रहता है एक बार भगवान के पास आ गया वो वापस नहीं आता है, है ना। फिर आगे कहते हैं, ये तो हो गया शुद्ध भक्ति का वर्णन, आगे भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार का कंपैरिजन बताते हैं कैसे गणना हुई है। देखिए बहुत सुंदर, अभी कोई पूछ रहा था ना कैसे पता पड़ता है कैसे टाइम का कैलकुलेशन होता है, यहाँ भगवान बताते हैं सहस्त्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदु रात्र युग सहस्त्र नाम ते हो रात्र विदो जना सहस्त्र युग पर्यंतम। हमने आपको उस दिन कैलकुलेशन बताया था, फिर बता देते हैं। एक कलयुग की उम्र होती है 432,000 साल, 432,000 साल उम्र होती है किसकी, सतयुग कलयुग की, उस दिन बताया था। और द्वापर की होती है कलयुग का डबल 864,000, त्रेता की होती है कलयुग का, और सतयुग की होती है कलयुग का 4 गुना 17,28,000, ये सब मिला के होता है 43,20,000। इसको बोलते हैं एक दिव्य युग, चारों युग मिला के एक दिव्य युग, एक सेट बनता है। तो कलयुग के बाद वापस क्या आएगा, सतयुग आएगा, ये घूमता रहता। ऐसे 1,000 दिव्य युग हो जाते हैं, 1,000 चक्र लगते हैं, तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। और ऐसा ही ब्रह्मा जी का 12 घंटा और रात का होता है, ये दिन का और रात का, 24 घंटे में कितना समय बीत गया, 864 करोड़ साल हमारे सोलर ईयर्स। और ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन होता है, हमने उस दिन बताया था, ये यहां से कैलकुलेशन आ रहा है पूरा। फिर कहते हैं अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभवंती हर आगमे रात्रि आगमे प्रलियंते तत्रे वाक्य समझे, बोलते हैं ये सब ब्रह्मा का भी कैलकुलेशन बता रहे हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो सृष्टि बनती है, जब ब्रह्मा जी रात को जाकर सो जाते हैं तो दुकान बंद हो जाता है, दुकान खोल के कोई सोता है क्या, नहीं बंद हो जाता है।
तो ब्रह्मा जी फिर अगले दिन उठ के आते हैं, फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे सृष्टि करनी है, मुझे शक्ति दीजिए। तो फिर भगवान विष्णु शक्ति देते हैं, भगवान विष्णु जो हैं वो क्या करते हैं, वो शक्ति देते हैं। ब्रह्मा जी को तो इससे तो क्लियर हो गया कि ब्रह्मा जी जाते हैं विष्णु के पास शक्ति लेने। ठीक, अब आगे ये सब कैलकुलेशन करने के बाद, अच्छा यहाँ पे और बताते हैं, परस्तस्मात् तु भाव्योन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नास्यस्तु न विनश्यति। ये जो है ये भौतिक जगत है, ऐसा और है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत बार बार क्या होता है, भूत्वा भूत्वा प्रलियते, बार बार जन्म लेता है, मृत्यु होती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत स्थिर है, स्थाई है, उसको कुछ नहीं होता। और फिर आगे बताते हैं कि कैसे भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से। हर जगह भगवान सुलभ है, उपलब्ध है, लेकिन अगर हम भक्ति करेंगे, पासवर्ड क्या है, भक्ति। भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते, भक्ति। भगवान हर जगह है, फिर हमें क्यों नहीं देखते, क्योंकि आप पासवर्ड नहीं डालते ना, वो फाइल लॉक्ड है, आपको अनलॉक करना पड़ेगा। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा भगवान बताते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कि योगी होता है वो, अगर दिन में उसकी मृत्यु होती है तो क्या होता है, रात में मृत्यु होती है तो क्या होता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष उत्तरायण दक्षिणायण, अग्निर्ज्योतिर अह शुक्ल सन्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। कहते हैं कोई अगर दिन में मृत्यु होती है ना, ऑस्पिशियस मतलब शुभ जगह पे, और होता है शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में। उत्तरायण कब से चालू होता है, थोड़ा सा गिनती बता देते हैं आपको। उत्तरायण चालू होता है मकर संक्रांति से, 6 महीना चलता है, जब सूर्य उत्तर की ओर जाते हैं 6 महीना चलता है, फिर सूर्य दक्षिण की ओर जाते हैं उसको दक्षिणायन कहते हैं, इसको बोलते हैं 1 साल, सूर्य का 1 चक्र 1 साल। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप जानते हैं, शुक्ल पक्ष मतलब अमावस्या से पूर्णिमा की ओर, और कृष्ण पक्ष मतलब पूर्णिमा से अमावस्या की ओर। ठीक है, तो दिन और रात तो आप जानते हैं, तो कैसे गणना होती है टाइम की, देखिए साल को गिन लिया उत्तरायण और दक्षिणायन में, 1 महीने को गिन लिया 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन कृष्ण पक्ष, और फिर 1 दिन को गिन लिया आधा दिन दिन आधा रात, आधा समय दिन के लिए आधा समय रात के, है ना। शुक्ल पक्ष में और दिन में मृत्यु होती है वो ऊपर के लोकों को प्राप्त करता है, धूमोरात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्राम समझोतिर योगी प्राप्य निवर्तते। अब जो योगी, ये तो सूर्य के लोकों को प्राप्त, सूर्य लोक को प्राप्त करता है, जो योगी बहुत तपस्या करके रात के समय जाता है ना, और कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में, वो चंद्र लोक में जाता है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। शुक्ल कृष्ण गति एते जगत शाश्वते मते एकयायाति अनावृत्तम अन्य यावर्तते पुनः। तो एक अंधकार में जाता है, एक उजाले में जाता है, जो उजाले में जाता है वापस नहीं आता, जो अंधकार में जाता है उसको वापस आना पड़ता है, है ना। अब आप बोलो कि अरे मरने के लिए भी इतना कैलकुलेशन है, योगी लोग अपने हिसाब से मरते हैं, हमारे जैसे नहीं। कोरोना आया या बीमारी आई, हार्ट अटैक हुआ, बीपी हुआ, डायबिटीज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जो योगा करते हैं, जो योग है, तो अष्टांग योग में ऊपर समाधि तक पहुंच गए हैं, वो लोग अपनी मृत्यु का समय खुद निश्चित करते हैं।
कि हम जाएंगे, रोक सकते हैं, उनके पास है, लेकिन हमको ना तो योगी बनना है, ना कर्मी बनना है, ना तपस्वी बनना है। कल हमने ये बात किया था, हमको क्या बनना है? भक्त बनना है। अब भक्तों के लिए क्या है तो देखेंगे, भक्तों के लिए क्या है कैलकुलेशन, ठीक है, यहां बताते हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु मोहग्रस्त नहीं होते, अतएव तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, क्योंकि भक्त दिन में मृत्यु हो या रात में मृत्यु हो, वो उसका उत्तरायण में हो, दक्षिणायन में हो, कृष्ण पक्ष में हो, शुक्ल पक्ष में, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भक्तों को, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भक्तों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कृष्ण भक्ति में लगा है, कृष्ण उसका अरेंजमेंट करते हैं, फिर न दिन और न रात। ये योगा करने वाले ज्यादा में ज्यादा ब्रह्मलोक तक जा सकते हैं, और बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो ब्रह्म ज्योति पे जाएगा, लेकिन वैकुंठ में एंट्री नहीं हो सकती, घूमता रहेगा बाहर, भटकता रहेगा, वैकुंठ में उसको एंट्री नहीं। अब यहां देखिए क्या बोलते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक को व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, सर्वोच्च लोक जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। अभी कोई पूछेगा, अरे प्रभु मैं भक्ति करूं, अरे ना मैं तो योग करूं, ना ये करूं, लेकिन मेरे तो फिर नुकसान हो जाए। तपस्या करने से जो फायदा है, यज्ञ करने से फायदा है, दान करने से फायदा है, ये सब तो भक्ति करने से नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अर्जुन को देखिए, भगवान बोलते हैं जो वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फल से भक्त वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त कर देता है। अब बात को समझें, अभी देखिए कुछ लोग दान देते हैं, तपस्या करते हैं, वेदाध्ययन करते, ये सब करना है, लेकिन इनसे उन लोग कुछ सुकृति करते हैं, जैसे क्रेडिट पॉइंट मिलता है, फिर इसको एनकैश कर लेते, इससे फायदा उठा लेते, इसको भक्ति नहीं करते। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ये सब छोड़ो और तुम भक्ति करो। तो प्रश्न उठेगा अर्जुन का, अरे प्रभु ये सब छोड़ के भक्ति करो, लेकिन इसमें जितने बेनिफिट है, जितने फायदे हैं, वो तो मेरा गया ना हाथ से। भगवान बोलते हैं नहीं, वो सब तुमको मिलेगा सब, और जीवन के अंत में तुम मुझ पे आओ, मेरे पास आओ। भगवान कृष्ण और बलराम जब कंस को मारने के लिए कहां जाते हैं, मथुरा जाते हैं, मथुरा जाते हैं तो धोबी मिलता है। अभी थोड़ा चलिए कम कृष्ण और बलराम का थोड़ा सा कथा सुनाते हैं आपको, इससे कनेक्टेड है, आपको सुनना है ना, नहीं सुनना है भगवद गीता ही पढ़ना है तो फिर हम भगवद गीता भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर समझने के लिए हमको समझना चाहिए। तो कृष्ण बलराम अपने सखाओं के साथ वृंदावन से मथुरा आते हैं, सोने की रथ में, कंस ने रथ भेजी, सोने की रथ में आते हैं। फिर जो है रास्ते में एक, अब मथुरा में उतर जाते हैं रथ से, थोड़ा पैदल चलते, भगवान बोलते हैं अक्रूर जी को, तुम जाओ, हम थोड़ा नगर देखेंगे, मथुरा नगर कैसा है वो देखना चाहते हैं। ठीक है प्रभु, आप नगर देखिए। तो फिर भगवान देखते हैं दूर एक धोबी बैठा है, चलो धोबी के पास, वो कपड़ा धो रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं धोबी को, अरे वो मेरे को कपड़ा दो। बलराम बोलते हैं मेरे को वो दो, सब बोल दो, वो कपड़ा। धोबी को गुस्सा आता है, बोलता है अरे मूर्ख बालको, तुम जानते नहीं कपड़े किसके हैं, ये महाराज कंस के कपड़े, चलो भागो इधर से। तो फिर कृष्ण को गुस्सा आता है, अरे मैं सबका मालिक हूं, मेरे को नहीं देता। तो भगवान कृष्ण उसको एक थप्पड़ मारते हैं, उसका मुंडी अलग हो जाता है, वहीं मृत्यु हो जाती है। क्यों मारा भगवान, भगवान को नहीं देता है, अपराध है, भगवान का सब कुछ है, भगवान को नहीं देता है,
लेकिन भगवान ने उसको मार दिया तो उसका भी उद्धार हो गया, वो भी मथुरा में मृत्यु हुई और भगवान कृष्ण के हाथ मृत्यु हुई तो उसका तो उद्धार हो गया। फिर भगवान आगे जाते हैं, एक सुदामा नाम का एक वो फूल बेचने वाला मिलता है, ये भी सुदामा है। भगवान सुदामा के पास जाते हैं, सुदामा जो है बहुत सारे फूल लेके आते, अच्छे सुंदर सुंदर फूल लेके उनकी माला बनाता है, कृष्ण को माला अर्पित करता है, बलराम को देता है और सारे ग्वाल बालों को माला देता है। उसको पता है सुदामा को पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन भगवान इतने सुंदर हैं, उसका ऐसा मन मोह लेते हैं कि सब भगवान को दे देते हैं। तो भगवान उसको वरदान देते हैं, सुदामा तुम जब तक जीवित रहोगे हाँ पूरा भोग करोगे, सब कुछ मिलेगा तुम्हें भौतिक, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो मेरे पास आ जाओगे। तो भगवान जब देखते हैं कि भक्त अच्छी भक्ति कर रहा है तो उसको सारे संसार के भोग भी दे देते हैं और फिर उसको मृत्यु के पश्चात अपना धाम भी दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम भी भक्ति करें थोड़ा हरे कृष्ण और हम भी मांगे भगवान से हमको भी भोग दो, नहीं, क्योंकि हम फंस जाएंगे इसलिए भगवान शायद ना दे हमको। भगवान हमको हमारा अंत में बेस्ट भला करना चाहते हैं। आगे फिर कुब्जा मिलती है, हाँ कुब्जा को बोलते हैं अरे सुंदरी किधर जा रही है, कुब्जा तो बड़ी कुबड़ निकला है, ऐसे कोई सुंदरी थोड़ी थी हाँ? लेकिन भगवान को चंदन लगा दी, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने उसको ठुड्डी से पकड़ा और पैर, भगवान ने उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा और ऐसा खींच दिया, खींच दिए तो कुबड़ा चला गया, एकदम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हो गई कुब्जा। लेकिन उसके मन में काम वासना थी जिसको भगवान ने बाद में शुद्ध किया था। तो यहां को सब कुछ मिलता है भौतिक भी और जीवन के अंत में वो मेरे पास आता है। अभी किसी को नहीं मिले तो ये नहीं, हमको तो नहीं मिला, हमको बोला क्या था भक्ति करने में, भगवान जो देंगे आपको उसमें संतुष्ट रहना, वो भी सिखाते हैं भगवान। कई बार क्या होता है हम भक्ति करते हैं एक उदाहरण से समझाते हैं, आपका बच्चा है वो नहीं पढ़ता है, मान लीजिए 8-9 साल का है नहीं पढ़ाई कर रहा है, तो आप क्या बोलते हैं एग्जाम आ रहा है, देख बेटा तो अगर अच्छे से पढ़ेगा रोज 2 घंटा अगले 10 दिन के लिए एग्जाम के समय तो तेरे को हम साइकिल दिला देंगे। कुछ ना कुछ क्या करेगा, आजकल सबको ऐसे ही चलता है। तो बच्चा बोलता है ठीक है, अब क्या बात हुई है 10 दिन के लिए 2 घंटा रोज पढ़ेगा मतलब 20 घंटा पढ़ाई करेगा तो साइकिल मिलेगी। अब कुछ बच्चे बहुत शाणे होते हैं, वो आधा घंटा पढ़ते हैं मम्मी साइकिल दिखाओ तो सही ना मेरे को, मैं थोड़ा चला के देखो। नहीं नहीं बेटा साइकिल नहीं दिखाएंगे तुमको, चलाने को नहीं मिलेगी जब तक पूरा नहीं पढ़ोगे, पूरा नहीं मिलेगा। अच्छा दर्शन तो कराओ। नहीं नहीं तुम्हारा मन भटक जाएगा, तुमको दर्शन नहीं कराया जाएगा। फिर 1 घंटा पढ़ते हैं तो फिर बताओ तो सही कौन से कलर की है, कौन सा ब्रांड है, कैसी दिखती है। नहीं कुछ नहीं बताया, क्योंकि बीच में मान लीजिए आपने उसने 2 घंटा पढ़ लिया साइकिल दे दी, वो क्या करेगा फिर घूमते रहेगा, तो फिर पढ़ाई नहीं करेगा। इसीलिए क्या करते हैं उसको पूरा एग्जाम निकाल देते हैं 10 दिन का, 2 घंटा रोज एग्जाम अच्छे से होता है, फिर आप उसको साइकिल देते हैं। कभी कभी माँ बाप भी शाणे होते हैं, उसको छोटी खिलौने वाली साइकिल देते हैं, तो ये क्या है, बोले तुमको बोले थे ना हम साइकिल देंगे तुम पढ़ाई करेगा तो साइकिल तो है, अरे ये साइकिल में ये साइकिल कैसे चलाऊंगा, बोले तो यही साइकिल है बेटा तो उसको ऐसे हाथ पकड़ के चलाते रहे। लेकिन फिर भी माँ बाप प्रेम करते हैं बच्चे से, तो भगवान भी हमारे साथ कभी कभी ऐसे करते हैं। अब आप बोलोगे मैं 5 साल से जप कर रहा हूं मुझे कुछ बेनिफिट दो, नहीं, भगवान बोलेंगे पूरा जन्म अंत तक भक्ति करो फिर एक साथ सब मिलेगा, तब तुमको एक साथ दिया जाएगा। आप समझे, तो मृत्यु के समय आपको पूरा भक्ति का फायदा होगा,
कई बार बीच में देते हैं, लेकिन पता है ना भगवान को कि जैसे ही हमको थोड़ा फायदा देना चालू करेंगे हम लोग भाग जाएंगे, तो इसीलिए भगवान हमको नहीं देते हैं, हमको बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, ठीक है ना, हमारी रक्षा करने के लिए भगवान हमें बचाने के लिए हमें नहीं देते हैं। तो अभी मत सोचिए कि भगवान क्यों नहीं देते, इसी कारण से नहीं, आप भी अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, यदि भगवान भी हमसे, हम तो बच्चों से कितना प्रेम करने, एक माँ बाप अपने बच्चे से कितना प्रेम कर लेगा, सोचिए भगवान कृष्ण के हृदय में जितना प्रेम है, ऐसा तो दुनिया में ब्रह्मांड में जितनी माएं हैं सबके सबका प्रेम मिला दो, हाँ वो एक बूंद है, और भगवान का प्रेम 10 करोड़ 10 अरब समंदर के जैसा है, अनंत है, इसीलिए तो भगवान भक्त वत्सल है। तो हमको भगवान प्रेम करते हैं, इसीलिए हमको बेस्ट चीज देना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा 2 साल का जाता है 5 रुपए लेके मिठाई की दुकान में रसगुल्ला खाऊंगा, वो जाता है हाँ अंकल को बोलता है अंकल रसगुल्ला दो, वो जो दुकानदार है वो देखता है कि अरे रसगुल्ला में बहुत सारी मक्खी मरी पड़ी है, दे दो इसको क्या करना, अपना थोड़ी है, तो 5 रुपए लेके इसको रसगुल्ला देते खा ले। लेकिन अगर ये उसके पिता की दुकान होगी, तो अगर पिताजी की दुकान है तो मरा हुआ मक्खी को हटा के क्या पिता अपने बच्चे को रसगुल्ला देंगे? नहीं। तो कृष्ण कई बार नहीं देते हैं और देवता लोग दे देते हैं। तो कृष्ण चाहते हैं हमारा जो अल्टीमेट हमारा भला हो, अंत में हमारा भला होना चाहिए और बेस्ट मिलना चाहिए, हम भगवत धाम निकलना चाहिए, उसके लिए भगवान कई बार ऐसा करते, तो आप चिंता मत कीजिए मैं भक्ति कर रहा हूँ हमको नहीं मिल रहा है, मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा, तो आप वंचित नहीं रहेंगे किसी भी चीज से, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। श्रद्धा शब्दे विश्वासे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृतहाय। श्रद्धा शब्दे विश्वासे, आप ये विश्वास रखिए कि कृष्ण भक्ति कैला सब कर्म कृत, आपने कृष्ण का भक्ति किया आपको सब हो गया, अब आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, सब भगवान स्वयं कहते हैं सब हो गया अब आपको, है ना। तो कैसे हमारे को भगवत प्राप्ति होगी? ऐसे भगवत प्राप्ति होगी जब न अन्य गामिना इधर उधर मन पूरा अच्छे से हम लोग भगवान की भक्ति में लगेंगे। और कैसे लग सकते हैं भगवान की भक्ति में अंत समय तक? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमको बहुत। जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब हमको मिलेगा। और प्रैक्टिस कब से चालू करना चाहिए? प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो 5 साल की उम्र से भक्ति करता है। आप में से कोई है जो 5 साल से छोटा है? कोई है? हाथ उठाओ, 5 साल से छोटा कोई है? तो सोचिए आप लेट हो गए कि नहीं हो गए? ऑलरेडी लेट हो गया, और अभी सोच रहे भक्ति करें कि नहीं करें, अभी तो ज्यादा करना चाहिए, तो ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए जिसका उम्र 25 साल है तो 20 साल लेट हो गया, तो 20 साल का कवर करना है। किसका उम्र 70 साल है तो 65 साल लेट हो गया, 65 साल का कवर करना है। इसीलिए हमको जो है बच्चों को भी और खुद को भी भक्ति में लगाना चाहिए, क्योंकि अंत में, नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ कभी कोरोना आएगा, कभी कुछ आएगा, एक समय पे कैंसर, कैंसर अभी भी बड़ा बीमारी है लेकिन पहले बहुत बड़ा था, पहले कोलेरा होता था, कोलेरा, हैजा, फिर टीबी, ये सब बड़ी बीमारी, अभी भी टीबी से मृत्यु हो रही है, टीबी से जितने लोग की मृत्यु हो रही है आप गिनती, बॉम्बे में कहा जाता है, वैज्ञानिक कहते हैं बॉम्बे की हवा में टीबी है, इतना प्रदूषण है, इतना प्रदूषण है, हवा में टीबी बहती है, सांस लेंगे तो टीबी हो जाती है, टीबी से कभी मृत्यु हो रही, तो कभी टीबी, कभी डायबिटीज, कभी ये, कभी वो, ये संसार में कुछ ना कुछ नया नया वैरायटी, आपको नया वैरायटी चाहिए, एक फोन छोड़ा दूसरा लिया,
फिर 6 महीने में कौन चेंज किया, तो भगवान भी। प्रकृति के, प्रकृति क्या करती है, नई नई बीमारियां देती रहती है। लो लो नया वेराइटी कोरोना, फिर कोरोना का वेरियंट आ गया, फिर उसका भी वेरियंट आ गया, फिर उसका भी वेरियंट आ गया, वेराइटी है, एंजॉय करी। ये भौतिक संसार है, दुखाला है, यहाँ कोई सुखी नहीं रह सकता। आप बोलोगे भगवान को कोरोना भगा देना चाहिए, क्यों भगाएंगे भगवान कोरोना को? भगवान आपको बोल रहे हैं आप मेरे पास वापस आ जाओ, इधर कोरोना नहीं है। नहीं, हम यही रहेंगे, कोरोना भगाना चाहते, ये तो गलत हो गया। एक घर में आग लग गई है, उधर एक आदमी फंसा है, उसको आप बोल रहे हो तुम उस घर से निकल के आ जाओ, हमारे घर में आग नहीं, फायर प्रूफ घर है। और वो बोलता है नहीं 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 मेरे घर की दीवारों को भी फायर प्रूफ कर दो आप। अरे तब तक तो जल जाएगा, और नहीं करना है, क्यों करेंगे? भगवान ने दुखालय बनाया तो आप उसको सुखालय क्यों बनाना चाहते? आप भगवान को प्राप्त करो, भगवान का भक्ति करो, इधर से निकलो, तब भगवान की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण। रामेश्वर नाइक प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी, थर्ड श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परम स्वभाव दयावम उच्यते, अक्षर ब्रह्म अक्षर है, ये क्या है, मुझे समझाइए प्लीज। यस, ब्रह्म अक्षर है, अक्षर मतलब जिसका क्षय नहीं होता, नहीं होता, शाश्वत है। तो ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल जो होता है उसका कभी अंत नहीं होता, यही जो सत्य का ब्रह्म देव, वो नहीं ब्रह्म, नहीं जो क्रिएटर क्रिएटर ब्रह्म, ये दूसरा है। नहीं नहीं, ये ब्रह्मा जी नहीं है, वो है, ये ब्रह्म है। अच्छा, हरे कृष्ण। मारुति प्रभु जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हेलो गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान कृष्ण के सानिध्य में रहने वाले लोगों का चित्त शुद्ध रहता है, तो द्वारका में यदुवंशियों से यदुवंश का नाश क्यों हुआ, मीन्स उनका चित्त फाइनली ये कुरुक्षेत्र का युद्ध होने के बाद ऐसा क्यों हुआ, और फाइनली ये कृष्ण की कैसे लीला है? भगवान चाहते थे कि अब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो गया, चलो भाई अभी मेरे को वापस जाना है, तो भगवान बोले वापस जाना है तो हमारे पार्षद जो द्वारकावासी हैं वो यहाँ क्या करेंगे, वो भी मेरे साथ चलेंगे। लेकिन भगवान ऐसे नहीं लेके जाना चाहते थे, कुछ लीला करना चाहते थे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है कि यदुवंशियों को लेके जाऊंगा अपने साथ, दूसरा अगर यहाँ छोड़ूंगा तो इनको तो कोई मार नहीं पाएगा, तो फिर इन लोगों की मृत्यु नहीं होगी तो वापस कैसे आएंगे? तो अब इनको कोई मार नहीं सकता, तो आपस में ही इनको भिड़ा दिए, है ना। तो ये भगवान का इच्छा था, लीला बंद करने का इच्छा था। भगवान को अब लीला संपूर्ण करना है और निकलना है। तो ये जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, ये भगवान का मूवी चल रहा है, तो ये सीरियस नहीं है, ये भगवान ऐसा लीला करके इनको वापस ले जाने आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षित प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्रभु जी, ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म मतलब स्पिरिचुअल, हर स्पिरिचुअल चीज को ब्रह्म कहा जाता है। परम ब्रह्म जो कृष्ण है, जैसे ईश्वर, आप भी ईश्वर हो, आप अभी चाहो तो लेक्चर छोड़ के जा सकते हो, उतना अधिकार भगवान ने आपको दिया है, तो आप ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूँ, सब छोटे छोटे ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, छोटे छोटे ईश्वर है। लेकिन परमेश्वर कौन है? कृष्ण। ऐसे हम भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है, लेकिन परब्रह्म भगवान कृष्ण है। नेक्स्ट। ओके प्रभु जी, प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे प्रभु जी हम किसी को दान करते हैं कुछ भी, और अगर वो उस दान का गलत यूज करता है, तो क्या उसके पापों में हम भी भागीदार होते हैं? 100% उसको बिल्कुल होता है। ये आएगा 17वें अध्याय में, आएगा 18वें 17वें अध्याय में। तमोगुण में दान देना, रजोगुण में ध्यान, सतोगुण में ध्यान देना। तो रुके रहिए, 10 दिन आपको आपका आंसर डिटेल में मिल जाएगा। जी प्रभु जी, और प्रभु जी एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे आपने बताया कि एक भक्त भक्ति कर भगवान के धाम में जाता है, तो प्रभु जी
भक्त जब धाम में पहुंच जाता है तो उसके साथ क्या उसके माता पिता भी उसको मिल जाते हैं वहीं पर? अब वो तो माता पिता भक्ति करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो कैसे जाएंगे। अभी आप एक टिकट लेके क्या, अभी आपने टिकट लिया बॉम्बे से कलकत्ता जाने का फ्लाइट का, तो एक टिकट में मम्मी पापा भी जाएंगे क्या आपके? नहीं नहीं प्रभु जी, वो लोग भक्ति करेंगे तो जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप जाओगे, फिर उन लोग को भगवान भक्ति करा के भेज देंगे बाद में। तो प्रभु जी ये कहा जाता है ना कि 21 पीढ़ियां तर जाती है, अगर तर जाती है मतलब उनको भक्ति का मौका मिलेगा, जब तो भक्ति का मौका दिया जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो ऐसा नहीं कि, और जरूरी नहीं कि आप, मान लो आप और आपके पिताजी दोनों भक्ति कर रहे हो, दोनों तो जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जगह पे वैकुंठ में जाएंगे, अलग अलग जगह जाएंगे और भगवान की इच्छा जिसको जहां भेजेंगे। इसीलिए तो ये आसक्ति रख कर कोई फायदा नहीं है। अगर दोनों का मोक्ष भी हो गया तो आप कहीं जाओगे वो कहीं जाएंगे, दोनों थोड़ी एक जगह जाओगे, वहां पे भी थोड़ी ना बाप बेटा रहोगे, समझे। देवांश प्रभु आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल ये है कि जो लोग हर्टफुल वर्ड्स बोलते हैं जो, तो क्या कर रहे हैं? मैं इग्नोर करता हूँ पर बाद में मुझे लगता है कि यार इन्होंने ऐसे क्यों बोला। और एक और प्रश्न और है प्रभु जी, देखिए आपके पास बहुत टाइम होता है ना तभी आप ये सब सोचते हो, क्योंकि आपके पास टाइम है इसलिए आप सोच रहे हो उसने मेरे से ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों बोला। अगर आप अपने बिजनेस में लग जाते हो, बिजनेस मतलब अपने काम में लग गए, अपना भक्ति करो, अपना पढ़ाई करो, जॉब करो, बिजी हो जाओ, तो फिर टाइम ही नहीं आपको सोचने, आप सोचते रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, आधी दुनिया इसी में डिप्रेशन में जाओगे। लोग खाली बैठे हैं ना, काम धंधा है नहीं, ये लॉकडाउन नहीं, बिना लॉकडाउन के भी खाली बैठे ज्यादा, मशीनें काम कर रही, आदमी बेरोजगार बैठा है। बेरोजगार मतलब जॉब है आपका जल्दी करके आ गया, बिजनेस है जल्दी करके, फिर सोच रहा है खाली। तो जितना आपके पास खाली समय होगा उतना आप ये सब चीजें सोचते रहेंगे, इसलिए अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सेवा नहीं हो तो आप एडमिन को भेज दीजिए मैसेज, हम सेवा दे देंगे आपको, मरवत बहुत सेवा है। खाली दिमाग शैतान का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि भगवान बोलते हैं कि जो एक बार मेरे पास आ जाता है मैं उसको वापस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं भेजता हूँ, तो प्रभु जी ऐसी एक क्या गलती हो गई थी हमसे जो हम मटेरियल वर्ल्ड में आ गए और फिर भगवान बोल रहे हैं कि मैं वापस आने। हमारे संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रश्न का आंसर कोई नहीं दे सकता भगवान कृष्ण के अलावा। तो जब आप भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करके भगवान के पास जाएंगे तो उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, और कोई आपको इसका उत्तर दे नहीं पाएगा, क्योंकि इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कोई उत्तर देगा तो समझ जाइए वो कुछ और गड़बड़ उत्तर दे रहा है ना, कुछ तो हुआ है तभी तो यहाँ पे आए हैं। नेक्स्ट, शिल्पा माता जी आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। कैन नॉट डू, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? यस। हाँ प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू श्लोक नंबर 6 कि सपोज किसी को एट द एज ऑफ 25 अवेयरनेस आ गई कि प्रभु भक्ति मुझे करनी चाहिए एंड ही लिव्स अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स सपोज, बट लास्ट 2 इयर्स वो सपोज कोमा में चला गया और कुछ हेल्पलेस और डिसेबल्ड हो गया, तो अंतकाल में वो कैसे प्रभु स्मरण कर सकेगा अपने आप? दैट आई एम वेरी मच परप्लेक्स्ड। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि जो हमेशा मेरा स्मरण करता है लेकिन अंत में कोमा में चला गया या ऐसी परिस्थिति में आ गया कि मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा है, तो भगवान बोलते हैं उसका नुकसान नहीं है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। अच्छा, है ना, वो आपका भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव सिंह प्रभु पूछ रहे हैं चैट बॉक्स में। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान के अनंत नाम है, भगवान सारे नामों में बैठे हैं, तो फिर हम भी नाम ले रहे हैं वो सब तो भगवान के ही है, भगवान के ही नाम है, तो क्या नाम लेने समय उस नाम के भगवान का भावना होना चाहिए या बिना जाने किसी का नाम लेना चाहिए? अगर हम संसार में किसी व्यक्ति का पुकारते हैं तो पहले उसका ध्यान करते हैं, वैसे ही हमें जब कृष्ण जी को पुकारना है तो पहले उनका स्मरण भी होना चाहिए? प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, पहले श्रवण होगा फिर कीर्तन होगा, स्मरण अपने आप हो जाएगा, स्मरण करने की आपको अलग से एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। तो भगवान का नाम बोलिए और सुनिए कान से, बस इतना ही आपको करना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा,
स्मरण तो अपने आप होगा, नेचुरल। भगवान के बारे में सुनिए, भगवान कथाओं को सुनिए, भगवान के बारे में ग्रंथों को पढ़िए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों, तो आपको स्मरण अपने आप नेचुरल आउटकम है स्मरण होना। नेक्स्ट, एमएस लोधा जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव जो सुसाइड से डेथ होती है उनकी आत्मा यही रहती है क्या? यस, जो सुसाइड करते हैं वो भूत प्रेत बन जाते हैं, भटकती रहती है आत्मा। जैसे एक लड़का है 18 साल का हो गया, उसका जन्मदिन है, इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गया, पिताजी को बोलता है पापा मेरे को एक फोन खरीद के दो। पिताजी बोलते ठीक है ले 5,000, जा फोन खरीद ले। 5,000 में फोन थोड़ी आता है, कम से कम 20,000 वाला फोन चाहिए मेरे को। अरे 20,000 वाला फोन? रोना धोना चालू कर देता है, 20,000 रुपए फोन दिलाते। लेकिन पिताजी ने बोला देख भाई 4 साल मांगना नहीं फोन, ये फोन 4 साल तक मांगना नहीं। अब ये भाई साहब क्या किए, 2 साल बाद फोन को तोड़ दिए, फुटबॉल खेलने गया था गिर गया, फोन चूरा हो गया। तो तेरे को बोला था 4 साल फोन चलाना है, 2 साल में तोड़ दिया, अभी 2 साल बिना फोन के घूम। तो बेचारा सिम कार्ड लेके घूमते रहता है, जब उसको फोन करना होता है किसी दूसरे के फोन में सिम कार्ड लगा देता है फिर फोन करता है। तो अगर किसी का 80 साल का जीवन है और 40 में सुसाइड कर ले तो अगला 40 साल भटकना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट, नागेश प्रभु चैट बॉक्स में पूछे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे पास तुलसी जप माला है पर गलती से उस माला का एक मणि टूट गया है, तो माला में 107 बीड्स है, तो क्या मुझे नई तुलसी माला लेनी चाहिए या मैं इसी माला पे जब कंटिन्यू कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो आप इस पे कीजिए और एक मंत्र एक्स्ट्रा जप कीजिए, 108 हो जाएगा। उसके बाद अगर कभी आप जाएं तो तुलसी का एक मोती लेके उसमें लगवा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी माला चेंज करें, एक तुलसी का मनका मिल जाएगा उसको लगा सकते हैं। पूजा शर्मा माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बोला कि जो जो आई मीन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बच्चा कृष्ण पक्ष में पैदा होता है एंड वो चंद्र को प्राप्त हो जाता है, अगर वो भक्ति कर रहा है तो क्या वो कृष्ण भगवान के पास ही जाएगा? पैदा होने का नहीं, वो मृत्यु का बात हुआ था, है ना? ओके। और भक्तों पर लागू नहीं होता, तो वो तो बता रहे हैं योगी लोगों की, जो अष्टांग योग करते हैं उनकी गति बता रहे हैं। लेकिन भक्तों के लिए भगवान ने बताया, जो भक्ति कर रहा है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उत्तरायण है कि दक्षिणायन है, कृष्ण पक्ष है कि शुक्ल पक्ष है। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन, जैसे अभी किसी ने बोला कि वो चैंट करके रिपोर्ट लिखते हैं, तो मेरा कुछ अलग है, मतलब मैं करती हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, मतलब मैं न्यू मॉर्निंग न्यू चैंट करने का कोशिश करती हूँ तो मैं उसका रिपोर्ट नहीं रखती, एंड आई गेस मैं वो चीज समझ के भी नहीं लेती, मैं सिर्फ करती हूँ मैं भूल जाती हूँ, तो ऐसा लिखना जरूरी होता है कि हमने कितना चैंट किया, अगर 16 राउंड्स किया, 20 किया, 25? कम से कम फिक्स रखना चाहिए। ओके, हमको फिक्स रखना चाहिए मिनिमम, अगर आप 16 माला कर रहे हैं तो 16 माला जप करना चाहिए। बट समटाइम्स प्रभु जी ऐसा होता है कि कभी कभी 10 होता है, कभी कभी 16 होता है, मतलब रेगुलर नहीं हो पाता 16। तो कितना मिनिमम फिक्स रखिए, 16 कीजिए कभी कभी, लेकिन मान लीजिए कि आपने रखा कि 12 माला रोज जप करना है, उससे कम नहीं होना चाहिए, 10 माला रोज जप करना उससे कम नहीं होना चाहिए, 16 करिए, ज्यादा हो सकता है कम नहीं होना, फिर 10 माला फिक्स कीजिए, फिर धीरे धीरे 12 पे आइए, फिर धीरे धीरे 14 पे और फिर 16 पे। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। सुधांशु त्रिपाठी प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि अगर हम कहीं लगे रहें, बिजी रहें, जैसे हमारे पास दो काम है, पढ़ाई और चैंटिंग, तो अगर हम इसमें बिजी रहें तो हमारे अंदर कोई और ख्याल नहीं आएगा, तो प्रभु जी हम इसमें बिजी रहना भी चाहते हैं लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, मन इधर उधर बहुत भागता है, तो उसको कैसे वहां पे लगाएं? छठे अध्याय में भगवान ने बताया ना, अभ्यास और वैराग,
हमने एक वीडियो भेजा ना आप लोग के ग्रुप में कल, मन को कैसे जीते, सुना आपने वो वीडियो? नहीं प्रभु जी, वो नहीं सुना था। हाँ तो सुनिए ना, आपको सॉल्यूशन, आपके पास चाबी भेज दी, अब आप चाबी उठा के नहीं खोलोगे तो फिर कैसे हम करेंगे? जी प्रभु जी, वो देखता हूँ। हाँ वो देखिए, नेक्स्ट। आस्था माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आई हैव अ क्वेश्चन दैट इज देयर एनी फूड चेन इन वर्ल्ड, लाइक सम पीपल विल ईट नॉन वेज, देन देयर विल बी अ बैलेंस इन नेचर, एंड इफ एवरीवन इज वेज देन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल बी इन रॉन्ग ऑर्डर? नो, देयर इज नो सच थिंग। ऐसा नहीं है कि अगर हम मांस खाएंगे तो फिर जानवर कंट्रोल में रहेंगे और हम शाकाहारी सब बन जाएंगे तो जानवर बहुत सारे बढ़ जाएंगे। ये तो खाने वालों का बहाना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा बोला है। आपके घर में ज्यादा पैसे हो गए तो कुछ पैसे गटर में फेंक दोगे क्या? आपके पास सोने के ज्यादा गहने हो गए तो कुछ गहने ऐसे रोड में फेंक दोगे? ऐसा तो नहीं होता ना। अरे भगवान का मर्जी है, अगर अनंत अनंत भी जानवर पैदा हो गए तो भगवान पालेंगे, आपको थोड़ी ठेका देगा सर भगवान, आप अपना संभालिए। ये उन लोगों को कहिए जो आपको ऐसा कहते हैं। ये सब मांसाहार खाने वाले लोगों का नौटंकी है, वो सब ऐसा बोलते हैं कि लोग मांसाहार खाएं और उनका व्यापार बढ़े, है ना। किसी को मार के खाना, आपका अगर मान लीजिए गायों का या बकरियों का या मुर्गियों का बढ़ गया आबादी, तो आपको क्या करना है? आप थोड़े ना पाल रहे हो, उनको भगवान पाल रहे, आप तो अपने आप को ना पाल पाए, तो भगवान को हैंडल करने दीजिए। भगवान जब देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो भगवान करते हैं। अभी मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ गया, देखिए भगवान कहते कोरोना बढ़ गया। अभी इंडिया में आबादी हो गई 137 करोड़, तो आप तलवार लेके निकल जाओगे रोड पे सबको मारने के लिए, आबादी बहुत बढ़ गई है, क्या आपको अधिकार? ये अधिकार तो सरकार को भी नहीं है। वो प्रकृति अपना बैलेंस करती है, जब देखती है प्रकृति की ज्यादा ऊपर नीचे हो गया वो आके बैलेंस कर देगी, हमको टेंशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट। खुशी कश्यप माता जी पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज। आप वो लेक्चर सुनिए जो हमने भेजा है कल, मन को वश में कैसे करें, क्योंकि जब तक मन को नहीं जीतोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओ, पढ़ाई नहीं, व्यापार नहीं, जॉब नहीं। मन को जीतना बहुत जरूरी है। और 5 tips to concentration वो भी हमने भेजा था, उसको भी आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट। मालती गोपिका माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुछ लोग हैं जैसे कि अभी कल से उन्होंने, दो तीन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है एकादशी का व्रत करना। वो बोलते हैं हम शिव भक्त हैं, एकादशी तो चलो अब मतलब प्रीचिंग करने के बाद वो रहने के लिए रेडी हो गए, लेकिन वो बोलते हैं हरिनाम नहीं करेंगे, हम जप नहीं करेंगे, तो क्या कृष्ण भगवान की कृपा होगी और एक दिन ऐसा होगा कि वो जप करना स्टार्ट करें सिर्फ एकादशी रखने से? यस, हो जाए। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। भारती माता जी पूछ रहे हैं, जो स्पिरिचुअल नहीं है बट पर्सन इज डेडिकेटेड टू ह्यूमन सेवा, सो विल ही गेट मोक्ष और नॉट? नो, मोक्ष कैसे मिलेगा? हमने कल आपको बताया ना, अगर आप बंबई से दिल्ली का टिकट खरीदोगे तो अमेरिका थोड़ी निकल जाओगे, पाकिस्तान का वीजा लगाओगे तो चाइना थोड़ी निकल जाओगे, आपको जहां वीजा लगाना पड़ेगा। तो आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष कौन देता है? भगवान देते हैं। मुकुंद, मुक्तिदाता कौन है? भगवान मुकुंद, कृष्ण। तो कृष्ण से पूछो मोक्ष लेने के लिए क्या करो, बोलेंगे भक्ति करो, तो भक्ति करो उसी में मोक्ष मिलेगा। दूसरों की सेवा करना एडिशनल है, लेकिन भक्ति करना अनिवार्य है, कंपलसरी। तो आप भक्ति कीजिए, बाकी सब अपने आप होगा। नेक्स्ट। कुलदीप शर्मा प्रभु, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आज हमारा 8वां दिन है और 8वां अध्याय है,
तकरीबन आपने हर रोज ही ये बोला है कि गीता का पाठ जरूर पढ़ें, गीता जरूर पढ़ें, मंत्र जप जरूर करना चाहिए, भोग लगाकर ही खाना चाहिए। ये तीन चीजें आपने एक कंपलसरी बताई है। तो प्रभु जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये इनके ऊपर या तो आपने कोई वीडियो बना रखी हो, या फिर इनका कोई पर्टिकुलर नियम है क्या? कहीं ऐसा ना हो बिना नियम के गलतियां कर दे हम, तो इनके ऊपर कोई वीडियो बनी हुई है क्या अपनी, जिससे कि उन वीडियो तो नियमों बहुत का पता सारी लग जाए? आप वीडियो बहुत सारा है। आपको एक भेजा था घर में घर मंदिर बनाना, वो एक देखिए, उसमें मंदिर बनाने का भोग लगाने का हमने बता दिया। गीता पढ़ने का ऐसा कोई नियम नहीं है। आप गीता उठाइए, जितना समय मिलता है पढ़ते जाइए, और चैंटिंग का बस, हरे कृष्णा मंत्र जप करना, इसमें भी कुछ नियम नहीं है। भगवान को पता है कलयुग के जीव नियम पालन नहीं कर पाएंगे, तो बहुत जगह पे रिलैक्स करते। हरे कृष्ण जप करने में सिर्फ एक नियम है, मुंह से उच्चारण करें, कान से सुने, और गीता पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, और जो भी घर में आप पका रहे हो खाने से पहले ठाकुर जी को भोग लगा दें। बस इतने ही नियम है, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, शुभ प्रभु पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट डज इट मीन्स दैट बाय मैक्सिमम तपस्या वी कैन रीच ब्रह्म ज्योति? आई कुडंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट, प्लीज एक्सप्लेन। कहाँ पे लिखा है मैक्सिमम तपस्या से ब्रह्म ज्योति? वो योगी लोग तपस्या करेंगे हजारों साल ब्रह्म ज्योति पहुंचने के लिए, लेकिन आप हरे कृष्ण मंत्र जप करोगे ज्यादा जल्दी भक्ति करके आप वैकुंठ निकल जाओगे, उनसे भी आगे है ना। वो लोग योग तपस्या से, भगवान ने दिया है योग तपस्या से तुम यहाँ पहुंच सकते हो, लेकिन वो हजारों जन्मों का योग तपस्या है, वो एक जन्म का नहीं होता। बहुत तपस्या करने के लिए हम नहीं कर पाएंगे, उससे अच्छा है भक्ति करें, वैकुंठ निकल जाए ना, क्यों ब्रह्म ज्योति जाएंगे, और आगे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट, सिंधु उपाध्याय माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। पीयूष को पूछ रहे हैं, प्रभु जी, अगर चार नियम का पालन करने में भूल हो जाती है तो कैसे उसे बाहर आ जा सकते हैं? और प्रभु जी, एक और प्रश्न है कि चार नियम आप थोड़ा सा और डिटेल में बता सकते हैं? चार नियम आपको भगवद गीता लेवल 2 में बताया जाएगा, और जो टूटा है तो भगवान से माफी मांग के और आगे बढ़िए। देवांश प्रो आप पूछ भगवद रहे, गीता पढ़ेंगे, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा डिटेल में। देवांश प्रो पूछ रहे हैं, श्री हरिदास जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट प्रार्थना के प्रकट किया, वो और श्री हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु के साथ थे, क्या वो दोनों सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग। रितु माता जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे, मुझे ये पूछना है कि विष्णु जी ने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया था, तो क्या हमें कृष्ण जी की पूजा से पहले गणेश जी की वंदना करनी चाहिए? नहीं, जरूरत नहीं है। वो लेकिन वंदना विष्णु जी करने ने के लिए उन्हें, नहीं है, वो विष्णु भगवान ने दिया था यज्ञ के समय। तो आपके घर में जब कुछ यज्ञ होगा, पुजारी अपने आप वो गणेश का मंत्र बोल के विष्णु का मंत्र बोल देगा, आपको टेंशन नहीं। आपको हरे कृष्ण जप करने के पहले ओम गणेशाय नमः जप करने के लिए नहीं बोला, वो यज्ञ के लिए बोला। आप सिर्फ कृष्ण भक्ति कीजिए और किसी का नहीं। पीयूष प्रो पूछ रहे हैं, प्रभु जी, राधा रानी जी की भक्ति करने की करना या कृष्ण जी की भक्ति करना उत्तम है? हरे कृष्ण मंत्र दोनों का साथ में होता है ना। आप एक को दोनों में कंपटीशन क्यों करा रहे हो? उन दोनों में प्रेम है शाश्वत रूप से, आप कंपटीशन क्यों करा रहे हैं? जरूरत है क्या कंपटीशन कराने का कि किसका बड़ा भक्ति है? कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं आप? देखिए, आप खुद सोचिए, आपके माता पिता हैं, माता को घर से निकालूं कि पिता को घर से निकालूं, क्या करूं? एक को घर में रखूं, दोनों को नहीं रख सकते। जब हरे कृष्ण मंत्र दोनों की भक्ति सिखा रहा है, करा रहा है, तो फिर क्या जरूरत है ये प्रश्न पूछने का कि किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? कोई वैल्यू नहीं बनता ऐसा प्रश्न का। प्रश्न भी वो पूछे जिसका कुछ हाथ पैर हो, है ना। ऐसा प्रश्न पूछ के उल्टा अपराध में क्यों फंसे? प्रश्न वो पूछे जिसकी आपकी भक्ति बढ़े।
सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए नहीं पूछना चाहिए। मैं तो 7-8वां दिन हो गया आपको कुछ प्रश्न ऐसे उत्तर दे रहा हूँ जो रोज उत्तर दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है। लेकिन इससे पता पड़ता है कि जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है वो ध्यान से सुन रहा है, बाकी लोग नहीं सुन रहे ध्यान से, क्योंकि अगले दिन दूसरा व्यक्ति वही प्रश्न पूछ देता है। तो ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, है ना? नहीं सुना तो फिर उसको बाद में फिर से सुनिए, लेकिन प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सोच लीजिए। राधा रानी आपकी माँ है, कृष्ण पिता है, आप एक को क्यों निकाल लो घर से? एक का किसका भक्ति पूछा, उसे क्या पता? आपको दोनों का भक्ति दिया गया, हरे कृष्ण मंत्र में दोनों आते हैं, हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण, तो फिर क्यों अलग अलग करना? हरे कृष्ण।